हेलो गाइस, एसएम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी के पकोड़े। तो देखिए, ये गोभी मैंने इस तरह से काट रखी है पकोड़े के लिए। ये देखो, कुछ छोटे टुकड़े भी हैं, पर इस तरह से काटने से ज़्यादा सही रहती है। इसके लिए ले रखा है मैंने 1 कटोरी बेसन है, 1 कटोरी है चावल का आटा। ये ना, इससे कुरकुरी बनेंगे हमारे पकोड़े। ये 2 बड़े चम्मच हरी मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये व्हाइट मिर्च का पाउडर है इसलिए ऐसा दिख रहा है, 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया। ये ऑप्शन में है, अगर आप खाना पसंद करते हैं तो ले, नहीं तो नहीं। और 1 बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर। चलिए अब इसको मिक्स करते हैं। देखिए, इसमें पानी बहुत कम डाल के धीरे धीरे इसको मिक्स करना, नहीं तो एकदम ये फिर कुरकुरे नहीं बनते हैं। साथ ही साथ इसमें मैं बेसन को छान भी लूंगी, ये देखिए ऐसे, ताकि जो गुठलियां हैं ना वो खत्म हो जाएंगी इस तरह से। सर्दियों में गोभी के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, लगभग हर घर में बनते ही बनते हैं और सबको पसंद भी आते हैं। देखिए इस तरह से चावल का आटा भी ऐसे छान लेंगे। इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा दिया, अगर जरूरत पड़ी तो अभी इसको फिर यूज करूंगी। हरी मिर्च डाल दी, साबुत धनिया से क्या होता है, जब ये फ्राई हो जाती है ना, इसमें एक क्रंचीनेस सी आ जाती है, जब मुंह में बाइट होता है ना तो बहुत टेस्टी लगती है, पर किसी किसी को नहीं पसंद है तो नहीं ले। ये देख, पहले इसको ना मैं ऐसे मिला लूंगी सूखा ही, ताकि अच्छे से ना ये एकदम से कोट हो जाए सब में। ये देखो इस तरह से, इस तरह से अच्छे से बेसन सब में लग गया सारी गोभी में। पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अब मैं इसको हाथ से करूंगी क्योंकि फिर उससे पता नहीं चलेगा। ये देखो, मैंने 1 गिलास पानी लिया, इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। ये देखिए इस तरह से, और हल्के हाथ से करना है, नहीं तो ये क्या होगी, गोभी जो है ना टूट जाएगी। ये देखो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, इस तरह से इसको मिलाना। ये देखिए, एक बैग पानी डाल, जब हम एक ही बड़ी में पानी डाल देंगे ना तो उससे ये बैटर पतला भी हो सकता है, इसका जो मिक्सचर है। ये देखिए, मैं पतला नहीं करना है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, तेल मेरा हो गया पूरा गरम, अब बनाते हैं पकोड़े। इस तरह से
करो कितने का था। ये देखिए इस तरह से, देखिए तो इस तरह मेरे पकोड़े। अब ऐसे ना क्या होता है, अगर हम ज्यादा इसमें बेसन डाल देते हैं तो फिर एकदम से वो बढ़िया बनता नहीं है। चलिए मैं निकालने के लिए रेडी कर लेती हूँ टिश्यू वगैरह, इसको एक बारी चला देती हूँ साइड से। ये देखिए आप सब भी एक बारी ट्राई जरूर करना इस तरीके से। देखिए थोड़ा थोड़ा इसको साइडों से ऐसे उलट पलट के, ये देखिए देखिए हमारे भजिए ये उलट पलट के, ये देखिए हमें इस तरह से इसको सेक लेना है। फ्लेम ना मीडियम ही रहना चाहिए ताकि क्या होता है पकोड़े साथ के साथ पक भी जाएं अच्छे से। ये देखिए ऐसे उलट पलट के बनाने से क्या होता है ना चारों तरफ से अच्छे से हो जाते हैं, फिर इनकी जो क्रंचनेस है ना वो बहुत अच्छी आती है इसमें। और सर्दियों में ना चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े मिल जाए फिर तो बात ही क्या है। देखने में इतने टेस्टी लग रहे हैं ये। इसी के साथ ना मैं हरी मिर्ची फ्राई कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने इसमें फुल डाल रखी है पर किसी को अगर चाहिए हो तो। ये देखिए ये देखिए इस तरह से इसको फाड़ के डाले, नहीं तो ये क्या होता है बहुत तेज से दबती है, ये लग जाएगी। ये देखिए लगभग हमारे पकोड़े रेडी हो गए, मिर्चे हो रही हैं। ये देखिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ।
फिर मैं निकाल के टिश्यू पेपर पे रख रही हूँ, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। मिर्ची हमारी हो रही है, लगभग हो गई है, ये देखिए इस तरह से इनको भी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारे पकोड़े बनके रेडी हैं, ये कितने क्रंची बने, ये देखिए इसमें आवाज़ आ रही है कैसे, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इसके साथ मैंने रखी है फ्राई करी हुई हरी मिर्ची, ये देखिए। आप चाहें तो इसको सॉस के साथ खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये देखिए ये कितने यम्मी लग रहे हैं देखने में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पकोड़े की रेसिपी पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको रेसिपी को मेरी लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये पकोड़े कैसे लगे। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और टेक केयर।